अलग चीज़ है। चलिए खैर, उसमें बहुत सारे कई दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, तो इसलिए मेरा फेमस कोटेशन है जो मेरे दोस्त ने मुझे बचपन में याद दिलाया था, और वो मैं हर बार ही जो है वो ज़्यादातर सेमिनार में बोला हुआ हूँ, नॉट फेलियर बट लो एम इज़ ए क्राइम बिकॉज बिग एम एंड ग्रेट ऑब्जेक्टिव्स ब्रिंग आउट ए ग्रेट माइंड। असफलता अपराध नहीं है, लेकिन छोटा उद्देश्य रखना अपने आप में अपराध है, और जितने बड़े उद्देश्य रखोगे उसी हिसाब से तुम्हारा मस्तिष्क जो है वो विकसित होगा, डेवलप होगा। ओके, तो जिंदगी का सबसे पहली चीज यही है कि आप बड़े सपने देखें, बड़े उद्देश्य निर्धारित करें, और ऐसा नहीं माने कि नहीं मैं तो इतना साधारण पृष्ठभूमि से आता हूं, मेरे परिवार में अभी तक कोई सरकारी अधिकारी नहीं रहा है, मेरे परिवार में ये स्थितियां हैं इसलिए मैं थोड़ी बन सकता हूं। इस तरह के विचार जो है वो आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। सबसे पहली चीज जो जरूरत होती है जिंदगी में आगे बढ़ने की, वो होती है आपकी सोच कितनी बड़ी है। सबसे पहली चीज क्या है? सोच। आप कितना ज्यादा बड़ा सोचते हैं। अब मुझे ही ले लें, मेरा कोई एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, मैं वो पढ़ने में बहुत होशियार नहीं था, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कोई खास अच्छी नहीं थी, मेरे पिताजी एक्स आर्मी मैन थे, फौजी थे, हमारे परिवार में रिश्तेदारी में दूर दूर तक कोई सरकारी नौकरी में कोई अफसर नहीं था। ठीक है, मारवाड़ी मीडियम से एजुकेशन हुआ है पूरा, हिंदी भी हमने तो बीएससी के बाद जो है वो सीखी है, क्योंकि जोधपुर में हिंदी बोलने देते नहीं है, जोधपुर के लोग कोई भी हिंदी में बात करे तो सीधा मुंह बिगाड़ के रहे, ओ आयो ने अंग्रेजरी औलाद। अरे भाई, अंग्रेजी नहीं बोली है, हिंदी बोलने की कोशिश की है। तो हम एक मिशन चलाते थे कि भाई हम हिंदी बोलने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे। तो ऐसी सामान्य पृष्ठभूमि होने के बावजूद हमारा एक मित्र था, वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता था, और वो कहता था बड़े सपने देखो, बड़े सपने देखो, जिंदगी में करना तो कुछ बड़ा ही करना है, जिंदगी में करना तो कुछ बड़ा ही करना। तो इसलिए हमने तय किया कि भाई हम जो है वो आरएस का फॉर्म भरेंगे, आईएएस बनेंगे, आरएस बनेंगे। जबकि हमारे कॉलेज में हमारे साथ रहने वाले जो लोग थे 80-80% आते थे, लेकिन वो इतना बड़ा टारगेट रखते ही नहीं थे। उनका सबसे बड़ा सपना ही होता था कि जैसे तैसे करके बीएड कर लें, बीएड करने के बाद मास्टर बन जाए। तो हमारे दोस्त ने हमें प्रेरित किया, मोटिवेट किया, तो हमने भी यही कि नहीं, जिंदगी में ये तो दूसरे काम नहीं करेंगे, हम कुछ न कुछ जो है बड़ा ही करेंगे, कुछ न कुछ बड़ा। अब बड़े में कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था नहीं कि अपन राजनीति के क्षेत्र में जाके बड़ा काम करें, फाइनेंशियली बिजनेस बैकग्राउंड था नहीं कि अपन कोई बिजनेस कर सकें। तो ले दे के जो जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, शिक्षा हारेगा सहारा बाबा श्याम हमारा। तो एजुकेशन एक ऐसा शस्त्र है जो सभी के लिए अवेलेबल है, भले गरीब हो भले अमीर हो, और ये एक ऐसी सफलता की सीढ़ी प्रदान करता है सभी लोगों को, कि जिससे जिसका सहारा लेके हर व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए अपने को भी वही आरे का सहारा शिक्षा ही थी, इसलिए कि भाई अपन पढ़ाई करेंगे और आरएस आईएएस बनने की कोशिश करेंगे। तो और हमारे साथ में हमारे ग्रुप में जितने लोग हम तैयारी करते थे लगभग सभी लोगों का सिलेक्शन हो गया, ये कि लगवा दे मेरा सिलेक्शन जो है वो नहीं हुआ। हालांकि सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी हिम्मत नहीं हारी कि भाई अपना सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या। आजकल के युवा पीढ़ी को देखते हैं, अभी एक रिजल्ट आया है, और एक रिजल्ट आता है और उसमें भी एक बार फेल हो जाते हैं तो मुंह लटका के डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनके सामने बस मैं यही कहता हूं कि देख भाई, जब भी तुम लोगों में से कोई फेल हो तो सबसे पहले मुझे याद कर लेना कि ये आदमी कितनी बार फेल हुआ है जिंदगी में, तो फेल होने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं जिंदगी में। जितनी बार मैं फेल हुआ हूं इतनी बार शायद ही कोई फेल जो है वो हुआ होगा। तो ये कहते ही वो जो बच्चा है, स्टूडेंट है, या तो बहुत मुंह लटका हुआ होता है और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, कहां सर ये बात तो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि 97 में ग्रेजुएशन की थी, 2006 में मैंने जो है वो अटेम्प्ट दिया था आखिरी अटेम्प्ट। तो और उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी शुरू की, कोचिंग संस्थान शुरू किया, इसका भी जो अच्छा रिजल्ट है पहली बार 2011 में आया था। तो 97 से लेके 2011 तक लगातार 14 साल का जो है वो संघर्ष था। तो और तब तक भी जो है वो हिम्मत नहीं आ रही,
तो सबसे पहली चीज सफलता के लिए जो है वो है बड़ी सोच रखना, जिंदगी में बड़े टारगेट्स जो है तय करना, और ये तय करना कि कह बाबो रेल में न कह बाबो जेल में, कि या तो अर्श पे या फर्श पे। और हमने जब मैं तैयारी करता था तो मैंने ये ठान रखा था कि प्रयास जिंदगी में हमेशा अच्छे के लिए करेंगे, और नहीं मिला तो इस चीज का कोई अफसोस नहीं करेंगे। भले ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीना पड़े बीपीएल का, पर जिंदगी को जो है ढंग से जिएंगे, जिंदगी से यूं शिकायत नहीं करेंगे कभी, और मस्त मौला होके जो है जिएंगे। इसलिए जब भी फेल होते थे तो आसपास के लोग जो है बड़ी सांत्वनाएं देते थे, और मुझे वो सांत्वनाएं कभी पसंद नहीं आती थी। और लोग कहते थे यार तेरी तो किस्मत ही खराब है, बाकी तेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, मेहनत तूने खूब की थी, पढ़ाई भी खूब की थी, लेकिन तेरी किस्मत खराब है। मैं कहता कि चुप रहे, मेरी किस्मत के बारे में जब तुझे स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, और प्रकृति ने शायद मेरे लिए बेहतर सोच रखा है, इसलिए प्रकृति चाहती है कि तू कहाँ यहाँ फंस रहा है फालतू इस छोटी मोटी नौकरी में, तेरे लिए मैंने दूसरे प्लान कर रखे हैं। तो मेरे दोस्त जो है फिर मुझे कहते थे रस्सी जल गई पर बल नहीं गया अभी तक इसका, कुत्ते की दुम है कितने ही साल सीधी करके रखो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, ये डेढ़ होशियार है बेशर्म है। पता नहीं ऐसे मेरे बारे में खूब टिप्पणियां जो है वो लोग करते थे, मैं कभी परवाह नहीं करता था क्योंकि अंदर से ही एक आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंस था। और उससे भी बड़ी चीज ये कि अपने ये जो दो तरीके होते हैं, हर आदमी के साथ जीवन में खूब सारी घटनाएं घटित होती है, आप फेल भी होते हो असफल भी होते हो, आपके साथ जो है वो परिस्थितियां आपका साथ भी नहीं देती, ऐसी स्थितियां भी आती है, तो उस समय या तो आप देवदास बन जाओ और देवदास की तरह जो है वो दारू पी पी के और लोगों से सहानुभूति ले लेके और अपनी किस्मत को कोस कोस के अपने को और ज्यादा बर्बाद करते जाओ करते जाओ करते जाओ, या है कि बेशर्मों की तरह असफल हुए हैं तो भी तीसरे दिन जो है ठहाके लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, और लोग के लोदे को शर्म ही नहीं आती, अभी पार्टी कर रहा है, परसों इसका रिजल्ट आया था, परसों तो फेल हुआ था। जिस दिन रिजल्ट आता था 2 दिन दुखी होते थे, 2 दिन दुखी होने की थोड़ी वो करनी पड़ती है भाई यहाँ, और तीसरे दिन पर हमेशा कोई दुखी थोड़ी हो सकता है आदमी। तो जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे पहली चीज उद्देश्य जो है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और उद्देश्य बड़े में भी समय के साथ उद्देश्य भी चेंज होते रहने चाहिए। तो मुझे कल परसों ही किसी ने, हम कोई बैठे थे तो बाद में बात याद आई, तो मेरे जिंदगी के जो है ना मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही होगी इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि जिंदगी में मेरे 2 ड्रीम जॉब थे बचपन में। मैंने सोचा था, कई लोग आरएस बनते हैं तो वो कहते हैं हमने बचपन से ही जो है प्लान कर लिया था ये कर लिया था, अब वो पता है मैंने बचपन में क्या प्लान किया था, मेरे बचपन में 2 ड्रीम जॉब थे कि हे भगवान मुझे बड़े होके ये दो काम, दो में से एक काम करवा देना, ये एक तो था कुल्फी बेचना। तो आप लोगों को हंसी आ रही है क्योंकि आप नई जनरेशन में जन्मे हो, मेरी जनरेशन के जो लोग हैं और जो गांवों में जन्मे हैं उनमें से मैं कह रहा हूं कि 90% लोगों को याद भले नहीं होगा अभी उनको, लेकिन 90% लोगों का ड्रीम जॉब हुआ करता था कुल्फी। ठीक है, आजकल तो तुम कुल्फी भी नहीं कहते आइसक्रीम कहते हो, और कुल्फी तो कोई खाता भी नहीं है, आइसक्रीम ही खाते हैं सभी लोग। ठीक है, तो कुल्फी बेचना, क्योंकि गांव के अंदर वो कुल्फी वाला आता था, घर वाले पैसे देते नहीं थे कुल्फी खाने के, दिन भर हम बैठे बैठे जो है वो उसको निहारते रहते थे, और वो भी क्या करता था बेईमान के वो बच्चों को जो है वो यूं जी ललचाने के लिए एक कुल्फी निकालता आराम से बैठ के खाता, और बच्चे देख देख के बच्चों के मुंह में आता पानी, करे यार कैसे, फिर उनमें से एक आधा बच्चा जो है वो उसका खून खोल उठता, उसका वो पसीज जाता और जाता अपनी मम्मी के पास और जिद करता कि मुझे तो किसी भी हालत में कुल्फी खानी है। अब वो फिर उसकी मम्मी थोड़ी देर तो पीटती पीटती कि मैं ले कुल्फी खिला देती हूँ तुझे अभी कुल्फी, फिर भी वो जो है मार खाता खाता पर वो जिद छोड़ता नहीं, और मम्मी का थोड़ा सा लाडला होता तो फिर वो उसकी मम्मी आती उसको एक को कुल्फी दिलाती और कुल्फी वाले को 100 गालियां बोलती कि भाई मान निकम्मा यहाँ आ जाता है बच्चों को दुखी करता है, भग जा यहां से, यहां नहीं बैठेगा तू। ठीक है, और कुल्फी वाला भी फिर कभी कभी, तो हमें ऐसे लगता था कि देखो इसकी कितने मौज है, दिन भर जब मर्जी हो ये कुल्फी खा सकता है, प्लस दूसरे लोगों को देके पैसे और लेता है। हमें ये नहीं पता था कि भाई
बड़ी मुश्किल वो जो है, इतना बच्चा होता है इतना ज्यादा थोड़ी सोचता है। तो ये ड्रीम जॉब, दूसरा ड्रीम जॉब था कि हमारे उस समय बसें वगैरह इतनी थी नहीं, तो बसों में बैठने का बहुत शौक होता था, और कोई भी रिश्तेदार आते थे तो सब बच्चे जो है आज के जमाने में तैयार नहीं होते हैं, हमारे टाइम में जितने भी बच्चे होते थे रिश्तेदार जब रवाना होते थे तो बच्चा कि मैं भी इनके साथ जाऊंगा। साथ क्यों जाऊंगा, लालच क्या होता था, बस में बैठ गया। फिर कभी कभार कहीं जाने का काम पड़ता था तो लगता है यार ये आदमी ठीक है, रोज बस में ही घूमता रहता है, अपने वो कभी कभार नसीब नहीं होती। आजकल तो जयपुर से जोधपुर जाओ तो कि कब सफर खत्म होगा, कितने जल्दी उतरे, तुम लोग इस जनरेशन के हो। हमारे टाइम में ये सपना होता था कि काश अगला स्टेशन आए ही नहीं और हम बस बस के अंदर ही बैठे रहे, और वो रसिया आवे इंडा आवे, और फिर वो सबसे पैसे और लेता है, थैला और भर के रखता था, वो थैला रखता था कंडक्टर पहले ऐसे चमड़े का, वो खोलता और फिर वो छुट्टे देता और पैसे पैसे, और इसके पास पैसे पैसे। तो ये हमारे ड्रीम जॉब हुआ करते थे। पर समय के साथ जैसे जैसे अपन जो है वो बड़े होते हैं, परिस्थितियां चेंज होती है, तो उद्देश्य जो है वो बदलते रहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा तो वहां से उद्देश्य निर्धारित करते करते यहां तक आ गए हैं, और अभी तो भविष्य का गर्त पता नहीं, अब आगे और जिंदगी में क्या उद्देश्य जो है वो निर्धारित होंगे। ठीक है, तो